दतिया के जिला अस्पताल में लोकायुक्त की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक जिले के स्वास्थ्य विभाग में 2002 और 2003 में फर्जी यूनिक कोड के जरिए लगभग 50 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, जिसकी शिकायत दतिया के एक वकील ने लोकायुक्त में की थी। तभी से लोकायुक्त मामले की जांच कर रही थी। फर्जी नियुक्ति की जांच को लेकर भोपाल से एक टीम सोमवार को दतिया पहुंची और जिला अस्पताल में जांच शुरू की। बताया जा रहा है फर्जी नियुक्ति पाने वाले सभी कर्मचारी तृतीय श्रेणी के हैं। ऐसा है, लगभग 2013 में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में फर्जी भर्ती घोटाला सामने आया और जैसे ही ये मेरे संज्ञान में आया, मैंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को, सचिव को, आयुक्त को, सभी को शिकायत की और उस शिकायत के बाद में जब कोई आशाजनक परिणाम सामने नहीं आया, ऐसी फर्जी भर्ती में भर्तियों पर कोई सक्षम कार्रवाई नहीं हुई, तो मुझे विवश होकर माननीय होकर यहाँ शिकायत दर्ज करवा। कहाँ से हुई थी? भोपाल से हुई थी। देखिए, जब भर्ती फर्जी है तो आदेश तो भोपाल के ही नाम से था, नियुक्तियाँ यहाँ दी गई, यहाँ से स्थानांतरण भी हुए और उस संबंध में मैंने माननीय लोकायुक्त महोदय से शिकायत दर्ज करवाई। मैं 2002 से लेके 8 के बीच में कुछ लोग स्वास्थ्य विभाग में ANM OPW अन्य पोस्टों पर अलग अलग जिलों से आए थे, जिनको बाद में परीक्षण प्रतिवेदन के बाद ये पता चला था कि उनकी नियुक्तियाँ जो सही हैं, उस वजह से उनको निकाल दिया गया था, सेवा से उनको समाप्त कर दिया गया।